दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आरओ एआरओ जिसकी परीक्षा 8 अप्रैल को हो चुकी है, परीक्षा होने के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और कोचिंग सेंटर्स ने उसके परीक्षा के में जो क्वेश्चंस आए थे उनका सलूशन प्रोवाइड किया। हमने भी अपने चैनल से उनका सलूशन बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया था और आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला लिए। उसके बाद कट ऑफ भी घोषित कर दिया गया, कट ऑफ के बाद वैकेंसी बढ़ गई, फिर दोबारा एक रिवाइज कट ऑफ भी घोषित किया सभी चैनल्स ने। और बहुत सारे लोग जिनके पेपर थोड़े ख़राब हो गए थे उनके चेहरे पर खुशी आ गई है, क्योंकि इसका जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ जो सीटें बढ़ रही हैं 750 के 700 से 750 के बीच में सीटें रहने का अनुमान है, और उन सीटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। मेंस परीक्षा जो होगी उसका एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो अब आपके जहन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, आरओ एआरओ का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी कि अभी तक इसके रिजल्ट के बारे में आयोग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ऐसा ट्रेंड है आयोग का, ऐसा देखा गया है कि जो भी आयोग जो भी परीक्षाएं करवाता है उसका रिजल्ट जो है 1.5 महीने के आसपास ही देता है। तो 8 अप्रैल को परीक्षा हुई तो आप ये मानकर चलिए कि जून मई मई के लास्ट या जून के फर्स्ट मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन दोस्तों उसके बाद मेंस भी अभी आपको देना है, तो इसलिए रिजल्ट का वेट आप अभी मत करिए, अभी आप मेंस की तैयारी कीजिए। आपको अभी से लगना पड़ेगा मेंस के लिए और मेंस के जो नंबर्स आएंगे उसी पर मेरिट बनेगी, उसी पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें। और मेंस इतना आसान नहीं होता जितना आप प्री में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल होते हैं, मेंस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से कमर कस लें और मेंस की तैयारी में शुरू हो जाए। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता चल सके कि मेंस के लिए क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आरओ यारो का, वो देखिए इसमें तीन तरह के पेपर आएंगे। ये पहले तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा मेंस में, जनरल स्टडीज़ का होगा जैसा अभी था वैसे ही होगा, लगभग 140 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें भी 0.33% निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक तीन गलत पर एक सही कट जाएगा आपका, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। आपने पिछली बार जो गलतियाँ की हैं इसमें नहीं करना है आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसकी तैयारी आप कर भी चुके हैं, प्री के लिए आपने तैयारी की है इसकी। मेंस के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको रेगुलर जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं और जो पुराना आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना होगा। दूसरा पेपर है, इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो है वो कन्वेंशनल है, इसमें जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग आएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और थर्ड क्वेश्चन जो आएगा, थर्ड थर्ड पार्ट जो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये जनरल वेकुलरी का होगा, जनरल वेकअप का पेपर होगा। ये 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट्स इसमें मिलेगा। और इसके बाद जो आपका पेपर नंबर थ्री होगा, टू में दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पेपर हो गया, टू में दो पार्ट हो गया, थर्ड पेपर ये हो गया। थर्ड पेपर ये एस्से का पेपर होगा, इसमें आपको निबंध लिखना पड़ेगा, हिंदी में एस्से लिखना पड़ेगा, हिंदी एस्से का पेपर होगा ये। और इसमें जो होगा पेपर में 120 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। देखिए 120 नंबर का ये निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी मेरिट को बढ़ाने के लिए और आपकी आपकी क्षमता को चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये 420 नंबर का आपका पूरा मेंस का एग्ज़ाम होगा, 420 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 8 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 8 घंटे आपको मिलेंगे, 4 बार पेपर होंगे इसके, चारों में बैठने के लिए आप 8 घंटे मिलेंगे। और इस परीक्षा का जो सेंटर होगा मैं आपको बता दूं, दो ही सेंटर होंगे पूरे यूपी में इसके, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। तो आपको या तो लखनऊ पड़ेगा या तो इलाहाबाद पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आपको आप यूपी के किसी भी जिले से हों यूपी के, आपको एग्ज़ाम के लिए इन्हीं दो जिलों में आना पड़ेगा, बाकी कोई सेंटर नहीं होगा। अब इन 420 नंबर का जो मैक्सिमम 420 नंबर है जिसका पेपर हो रहा है,
इसके इस पर कौन कौन सी पोस्ट कितने कितने नंबर पे मिलती है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पिछला ट्रेंड क्या रहा है। इस बार को तो पता नहीं, इस बार का जो आएगा रिजल्ट वो तो पता चलेगा उससे, पिछले बार के ट्रेंड से, पिछले 2-3 एग्जाम का ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा और कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर चाहिए, मिनिमम किस कैटेगरी में कितने नंबर मेंस में पाए गए, यानी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहा है। इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद वाले वीडियो में वो चीज़ मिलेगी। आइए अब इसका ये जो पैटर्न हो गया, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस समीक्षा अधिकारी का सिलेबस जो है आपको जनरल पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें जो प्री मेथड लगभग लगभग वैसे ही है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसका मैंने आपको एक वीडियो भी दिया हुआ है जिसमें PCS के पूरे पेपर से इसके मैंने दिए हुए हैं, आप वो देख लीजिएगा। जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी कल्चर है, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशंस इनको इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बार है, और कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर्क जियोग्राफी जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड जनरल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसी एंड स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन ट्रेड लिविंग सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। यह ऑलमोस्ट प्री के पेपर, प्री के सिलेबस जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ नहीं है आपके लिए पार्ट वन का जो होगा, पेपर टू का पार्ट वन जो कन्वेंशनल होगा, इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग ऑफ गिवन पैसेज, एक पूरा पैसेज दिया रहेगा उसकी आपको हेडिंग बतानी होगी, प्रिसाइज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दी अंडरलाइन पार्ट, पूरे पैसेज में अंडरलाइन इस तरह से कुछ करके अंडरलाइन दिया होगा, इस चीज़ को ऐसे अंडरलाइन करके दे दिया आपको, अब इसी के बारे में आपको इसको प्रिसाइज करना पड़ेगा, इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। तो हिंदी का पेपर है ये, प्रिसाइज इन टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी गिवन गवर्नमेंट लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस, सरकारी जो पत्र होते हैं, सरकार के जो पत्र होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस जो करती है सरकार विभागों से और अन्य लोगों से, उसको प्रिसाइज करना पड़ेगा आपको, टेबुलर फॉर्म में प्रिसाइज करना पड़ेगा, वो आपको एग्जाम्पल देंगे उसके। ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर जो शासकीय और अर्धशासकीय जो लेटर लिखने हैं आपको, उसके बारे में आपको लिखने होंगे, उसको कोई लेटर सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ऑफिस मेमो, ऑफिस का मेमो और सर्कुलर, ऑफिस से जो सर्कुलर निकलता है ऑफिस का सर्कुलर और परिपत्र इसको बोलते हैं, सर्कुलर और मेमो जो निकलते हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी और ये एग्जाम में आएगा। एनोटेशंस रिपोर्ट्स एंड रिमाइंडर्स, जो भी आपको रिपोर्ट भेजनी है और रिमाइंडर्स भेजने हैं, जैसे किसी की जगह से काम नहीं हुआ तो उसका रिपोर्ट रिमाइंड करना होगा, तो आप ये समझ लीजिए आप सचिवालय में एक रिव्यू ऑफिसर हैं, तो आपको इन सब का यही सब कार्य करने होते हैं, इसके लिए एग्जाम वो करवा रहे हैं, मेंस का कन्वेंशनल पेपर ये है। और ये पार्ट वन के बारे में भी देख रहे हैं, पार्ट टू भी हम देखेंगे इसके बाद, और इसके बाद होगा डिफिनीशन बैकअप होगा इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल के लिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इडियम्स होंगे, फ्रेज होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपसे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है, इसके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पार्ट टू जो होगा जनरल वोकैबुलरी होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेकंड का पार्ट टू ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, ए नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव, सेम यूसेज एंड सेम नेचर वर्ड्स। अब इसके बाद एक थर्ड पेपर जो होगा उसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध किस किस चीज़ पर लिखना है इसके बारे में भी आपको हम बता दें, क्या क्या टॉपिक रहेगा, सोशल रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, पॉलिटिकल फील्ड से, सामाजिक क्षेत्र से या फिर राजनीतिक क्षेत्र का रहेगा, लिटरेचर एंड कल्चर रहेगा, और 600 वर्ड का मैक्सिमम होता है निबंध जो लिखा जाता है, साइंस इकोलॉजी टेक्नोलॉजी इन सब इकोनॉमिक फील्ड्स रहेगा, एग्रीकल्चर और कॉमर्स रहेगा, नेचुरल क्लाइमेटिस रहेंगे, अर्थ स्टम्बलिंग रहेगी, साइक्लोन रहेगा, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल डिपार्टमेंट प्लान्स, इन सभी टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा, 600 शब्दों का एक निबंध लिखना पड़ेगा और हिंदी में निबंध लिखना पड़ेगा, और 120 नंबर का यह निबंध रहेगा। तो ये हो गए दोस्तों इसके जो सिलेबस हो गया और इसका जो है प्लान, ये सिलेबस हो गया और इसका यह प्लान हो गया। तो इस तरह का
पेपर हमारा रहेगा, पेपर जो मेंस का है आरओ एआरओ का पेपर इसी तरह का रहेगा। और दोस्तों इसकी इसके मेंस की तैयारी हमने शुरू कर दी है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हमने इसकी तैयारी बच्चों के लिए तैयारी शुरू करवा दिया है। क्योंकि जिन सब्सक्राइबर ने हमें विश्वास जताया है उनको हम अच्छी से अच्छी तैयारी जितना भी हमसे हो सकेगा उनकी हम हेल्प करेंगे इस चैनल के थ्रू, और उनको उनके लिए इस इन टॉपिक से संबंधित मेंस के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, और उनकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम सॉल्व करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख दीजिए और उसके बाद हम उसका उत्तर वहीं पे दे देंगे, आपके कमेंट बॉक्स में ही देंगे उसका उत्तर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।